हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्लस वन क्लास फिजिक्स का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक डिमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन, जो कि है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर। तो पहले हमने दो एप्लीकेशन इसकी की थी, उसमें हमने एक तो की थी चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, दूसरी हमने की थी जो रिलेशन बनाती है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, और लास्ट और थर्ड इसकी जो एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर। वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स मान लो आपके पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, यूनिट है, मतलब एक सिस्टम के, जैसे एक सिस्टम आपका यूनिट, आपने उस यूनिट को एसआई सिस्टम में लिया, तो अब आपने एसआई सिस्टम से उसको कन्वर्ट करके बताना सीजीआई सिस्टम में उसकी कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एन यू, मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू एंड उसके यूनिट्स, ठीक है। अब मान लो अगर आपने दो सिस्टम में लिखना है, दो सिस्टम में अगर आप लिखोगे यूनिट्स को, तो एक सिस्टम को आप कंसीडर कर लोगे, फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, फिजिकल क्वांटिटी क्यू ही रहेगी, लेकिन उसके आपने यूनिट्स दो दो सिस्टम में लिखना है। एक सिस्टम मान लो ऐसे सिस्टम में आप लिखोगे उसकी न्यूमेरिक वैल्यू एन वन, और यूनिट जो ऐसे सिस्टम में यू वन लिखोगे, ठीक है। फिर उसी को दूसरे सिस्टम में अगर आप देखें तो उसको आप लिखेंगे एन टू और यू टू, यू टू मीन सीजीएस सिस्टम में जो उसका यूनिट होगा, ठीक है। ये हमने जनरल जो है एक्सप्रेशन वो बना लिया, ठीक है। अब देखो दो जो भी हम, अब अगर आप यहां पर देखें तो अगर हम यू वन और यू टू को एम एल टी में डिमेंशनल फॉर्मूला, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के ये यूनिट होंगे उसका कोई ना कोई डिमेंशनल फार्मूला ही होगा, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे लिख दिया एन वन, तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और डिमेंशनल फार्मूला लिखा है एम एल टी में, ठीक है। एम वन आएगा इधर, एल टू एल वन आएगा और टी वन आएगा, तो पावर हमने ए बी सी कंसिडर कर ली फिलहाल, तो ठीक है, अभी हमने जनरल फिजिकल क्वांटिटी ली है, तो एम एल टी में ही उनका जो है डिमेंशनल फार्मूला होता है। तो हमने पहले सिस्टम के लिए लिया तो एम वन एल वन टी वन, ऐसे ही दूसरे सिस्टम के लिए होगा तो एम टू एल टू टी टू, पावर फिर से हम ए बी सी ही रख देंगे, ठीक है। तो यहां से अगर आप मान लीजिए आपके पास एन वन की वैल्यू है, तो आपने एन टू निकाला है, मीन्स आपने दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू निकाली दूसरे सिस्टम की, एन टू निकालना, तो यहां से एन टू कितना आएगा, एन वन ये इधर जाके रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल को हम ऐसे लिखते थे एम वन जो है उसके नीचे एम टू आएगा, एम टू अब रेसिप्रोकल में जाएगा, तो हमने एम वन के नीचे लिख दिया, पावर दोनों की किया है ए तो सेम लिख दी, ऐसे ही एल वन की पावर ओवर एल टू पावर दोनों की बी, ऐसे ही टी वन ओवर टी टू पावर कितनी सी। तो ये हमने जो है जनरल फार्मूला बना दिया, जिससे कि एक सिस्टम के यूनिट्स जो है दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हो गए डिमेंशनल एनालिसिस के साथ। तो अब इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को, एग्जाम्पल में देखो, जैसे आपने कन्वर्ट करना है वन जाउल इनटू अर्गे में, जाउल जो है वर्क के एसआई यूनिट है और अर्ग जो है वर्क के सीजीएस यूनिट है, आपने वन जाउल को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है अर्ग में, मीन्स कि वन जाउल में कितने अर्ग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वर्क का डिमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा, जो कि है एम वन एल टू टी माइनस टू, तो यहां से ए की वैल्यू, अब हम जो फार्मूले लिखते हैं एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी, तो यहां से ए की वैल्यू क्या होगी वन, बी की वैल्यू टू और सी की वैल्यू कितनी माइनस टू, ठीक है। अब अगर आप एस आई सिस्टम में देखते हो, इन एस आई सिस्टम, और इधर आप लेंगे सीजीएस सिस्टम, दोनों सिस्टम हमने जो है ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो एस आई सिस्टम में मास जो है मान लो आपने 1 kg कंसीडर कर दिया, लेंथ जो है 1 m कंसीडर करते हो, और टाइम जो है 1 s कंसीडर करते हो, और इसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू आपकी एस आई सिस्टम में क्या है, वन, न्यूमेरिक वैल्यू आपने बोला 1 j, तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है 1। तो अगर आप सीजीएस सिस्टम में देखो, तो सीजीएस सिस्टम में जो मास हम लेते हैं ग्राम्स में लेते हैं, ठीक है, लेंथ जो हम सेंटीमीटर में लेंगे, टाइम सेकंड्स में ही रहेगा, ठीक है, टाइम जो है आपका सेकंड्स में ही रहेगा, और एन टू हमने निकालना है, ठीक है।
मीन्स हमने एन टू निकाला, न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है सीजीएस सिस्टम में। तो अगर आप अब अपना फार्मूला देखें तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो फार्मूला जो है आपका जनरल फार्मूला जो है वो अब हम लिखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था एन टू इज इक्वल टू एन वन एम वन ओवर एम टू पावर ए, एल वन ओवर एल टू पावर बी और टी वन पावर टी टू पावर सी। तो अब आपने ऊपर जो है पहले कंसीडर क्या किया था, एन वन की वैल्यू आपने वन लिखी है, चाहे आप पीछे जाकर वीडियोस में देख सकते हो, पीछे हमने एन वन की वैल्यू वन कंसीडर की है, एम वन की वैल्यू वन केजी कंसीडर की है, एम टू की वैल्यू वन ग्राम कंसीडर की है और ए की वैल्यू हमने वन लिखी है, ठीक है। पीछे ऐसे एल वन की वैल्यू हमने वन मीटर लिखी है, एल टू की वैल्यू वन सेंटीमीटर लिखी है और बी की वैल्यू टू लिखी है, और ऐसे टाइम जो है दोनों में सेकंड सेकंड है और इसकी वैल्यू सी की वैल्यू माइनस टू लिखी है। सभी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है, ठीक है। पुट करने के बाद अगर आप देखें तो आपका एन टू जो है एक केजी को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10³ ग्राम, नीचे तो 1 ग्राम ही है, ठीक है, ऐसे आएगा। और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो उसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, नीचे तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा और ये 1 के साथ 1 कैंसिल, ये इधर ही कैंसिल हो जाएगा तो इसका बचेगा नहीं कुछ, ठीक है। और यहां पर पावर 2 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां से ग्राम ग्राम कैंसिल, तो यह क्या बच गया, 10⁻¹ को अगर डिवाइड करोगे तो सेम रहेगा, 10³ ही रहेगा, और मल्टीप्लाई यहां से 100⁻², तो 100 × 100 हो जाएगा, मीन्स 10,000 होगा, तो 10,000 को हम ऐसे लिखते 10⁴, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा तो यही बचेगा। तो अगर आप देखें ये एन टू की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁷, ठीक है। तो अब अगर आप देखते हो 1 जूल जो है 10⁷ अर्ग है, ठीक है। जनरल फार्मूले में देखो ना, जनरल फार्मूले आपने ये ऐसे लिया था N1U1 N2U2। अब आपको तो पता ही है वर्क के जो SI सिस्टम में, एक सिस्टम में जो यूनिट है वो जाउल है, दूसरे सिस्टम में अर्ग होता है, ये तो पता ही है। निकालना हमने N2 था, N1 आपको उन्होंने दे दिया था, कन्वर्ट आपने करना था 1 जूल को अर्ग में, तो 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करके आपने N2 की ये वैल्यू निकाली है, 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं,